जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम मैथ्स क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स वर 25, -5, -10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, क्या कह रहा है, क्विज है वह इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए, सही आंसर के लिए पॉजिटिव मार्क्स दिए गए हैं, मतलब प्लस में या विदाउट साइन, मतलब ऐसे 25 ऐसे करके। और अगर इनकरेक्ट आंसर दिया क्विज के अंदर तो उसके लिए नेगेटिव मार्क्स दिए गए हैं, मतलब माइनस में, जैसे -5। उसके बाद ये कह रहा है कि इफ जैक्स स्कोर, एक जैक्स नाम का कोई है, सो इफ जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, सक्सेसिव मतलब लगातार राउंड्स में कितने कितने स्कोर है, 25, -5, -10, 15 एंड 10, तो इन सबका टोटल एट द एंड, मतलब उसके सारे मार्क्स का लास्ट में टोटल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल मार्क्स एट द एंड इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे लिखते हैं, सो 25। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जब आपके पास कोई मार्क्स आते हैं आपके एग्जाम के, फिर पूछे जाए कि टोटल जो सब सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए, तो आप क्या करते हो, उसमें मुझे 10 आए थे, इसमें 9, ऐसे करके 10 आउट ऑफ में से, तो फिर आप ऐसे सबको ऐड करके फिर बताते हो। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो यहाँ पे लिखते हैं 25 प्लस -5 है तो ये ब्रैकेट में गया, प्लस -10 प्लस 15 एंड प्लस 10। ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो 25, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -5। आफ्टर द दोबारा प्लस माइनस, सो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -10। उसके बाद प्लस, सो प्लस 15 प्लस 10, ये आ गया। अब चाहो तो आप डायरेक्टली यहां से भी कर सकते हो, सिंपली हम क्या करें तो क्या होगा, पहले जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उन्हें ऐड कर लेते हैं एंड देन जो नेगेटिव है उन्हें। तो पॉजिटिव है 25, 15 एंड 10, करेक्ट। सो 25 प्लस 15 प्लस 10 कर देंगे। सो यहाँ पे करके देखते हैं, 25, 15 एंड 10, सो 5 प्लस 5 10, 1 कैरी, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये यहाँ पे आया 50, मतलब ये तो हो गए पॉजिटिव मार्क्स 50। अब नेगेटिव में क्या क्या है, -5 एंड -10, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस का, सो इट विल बी -15। अब हम इसमें से क्या कर देंगे, इसे माइनस कर देंगे और हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। सो व्हेन वी विल डू 50 -15, तो ये होगा 10 में से 5 आ जाएगा यहाँ पे, देन 1 कैरी, तो यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, तो ये हो गया 35। और यहाँ पे आंसर आ गया कि इसके जो लास्ट में टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 35 मार्क्स। साइन किसका लगेगा, 50 बड़ा है, पॉजिटिव नंबर ही रहेगा, तो ये 35। अगर यहाँ पे 50 के आगे माइनस होता तो यहाँ पे -35 लगता, बट 50 बड़ा है इसलिए 35 मार्क्स। तो यहाँ पे इस तरीके से आंसर निकल कर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, कि जो जैक्स के लास्ट में टोटल जो रहेगा उसके मार्क्स है वो रहेगा 35 मार्क्स। अब एक बार क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। सो इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड
negative marks are given for incorrect answer. If Jack's scoring 5 successive rounds, अब देखो if आ गया वो हमें question पूछा था तब तो क्या कर देंगे answer, then if को मत बोलो for incorrect answer. Jack's scoring 5 successive rounds were 25, minus 5, minus 10, 15 and 10. So what was his total at the end? तो यहाँ पे हम कर देंगे 35 marks are the total at the end. तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है. वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना. मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. धन्यवाद.